टली रिमाइंडेड ऑफ द स्टोन एज जब ना बिजली होती थी ना सड़कें होती थी ना दुकानें होती थी लेकिन कम अज कम तब भी पानी तो था जो अब नहीं मिलता oh God, शायद यही वजह है कि वो जिन्हें जाकर के चिल्लू भर पानी में डूबनना चाहिए ऐसा नहीं कर पाते अब देखें ना बिजली कब से बंद है और कोई पुरस् हाल भी नहीं ऐसे हालात में दिल को बहलाने पहले शॉपिंग मॉल चली जाया करती थी जहाँ आँखों के साथ साथ वहाँ की सेंट्रल एयर कंडीशनिंग से अपने आप को भी ठंड पहुँचा लिया करती थी लेकिन इन्होंने तो वो भी बंद कर दिए एयर कंडीशनिंग नहीं शॉपिंग मॉल्स ये कहकर कि शॉपिंग मॉल्स बंद हो जाने से बिजली जानी बंद हो जाएगी बट गेस वॉट बिजली अब भी बंद है।, है महंगाई की वजह से लोगों की बोलती बंद है पेट्रोल की कीमत इतनी ज्यादा हो गई है कि मेरा जनरेटर भी बंद है यू नो आई मीन सो मच इज बंद मिलूं किस से, मिलू? से कहूँ आप आप लोगों के मुंह क्यों खुल गए मैं बिजली की बात कर रही थी और वैसे भी वो वक्त आ गया है जब हम सबको अपनी आंखों के साथ साथ अपने जहनों और अपने दिलों को खोलने की जरूरत है क्योंकि जब हम आवाम एक होंगे तभी ये लोग जानेंगे दी आवाम शुड कम फर्स्ट कहने को हम उस मुल्क के लोग हैं जो कुदरती वसायल से मालामाल है फिर हमारे मसाइल ख़त्म क्यों नहीं होते कहने को हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है फिर ये किसकी स्ट्रैटजी को तकवीत पहुंचा रही है आप लोग भी कहेंगे कि आज बेगम साहबा बहुत गु़स्से में हैं और क्यों ना हो इस तारीकी में मिजाज के रंग गुम जाते हैं हाँ अलबत्ता इस तारीखी में कुछ रोशन ख्याली से तो काम लिया जा सकता है ना एहतसाब कुछ अपना कुछ उनका खैर छोड़िए ये संगीन गुफ्तगु मैं बिजली तो नहीं लेकिन तितली सी ज़रूर हूँ शायद यही वजह है कि किसी की पकड़ में नहीं आती यू नो आई अदर डे कि उम्र के इस हिस्से में भला मुझे कौन पकड़ेगा

जानिस देखा आपने देखा आप सबने कि उनका जिक्र करते ही मेरी बिजली वापस आ गई बट यू नो वॉट आस्ट मी टू कीप हिज नेम अ सीक्रेट दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है आप सब तो जानते हैं दट आई एम द फर्स्ट टू गिव आउट ऑल सीक्रेट्स यू विल मीट हिम रिली सून बट बिफोर दैट आई लाइक टू मीट सामबडी एल्स सामबडी आई लव वेरी मच अफसोस सिर्फ इस बात का है कि इससे सिर्फ मैं नहीं सभी बहुत प्यार करते हैं और आप लोग तो जानते हैं बट आई एम एक्सट्रीमली पॉजिटिव नॉट ओनली अबाउट द मैन बट ऑल्सो अबाउट द वेमेन इन माई लाइफ एनी वे आई बैठी है मेरी बहुत अच्छी दोस्त है उससे मिल लेंगे तो जान लेंगे कि सब उससे इतना प्यार क्यों करते हैं आई एम लोगन की वेटिंग फॉर टू लॉन्ग एंड आस्क हर टू स्टेप एन स्टेप राइट एन शहजाद आई एम सो एक्साइटेड आई एम सो हैप्पी आज कितने अरसे बाद हमारी मुलाकात हो रही है ढेरों साल हो गए है ना बट यूर than और तुम भी बिल्कुल नहीं बदली और एक बात में जरूर कहना चाहूंगी हुँ. कि हमेशा की तरह आज भी तुम मुझसे एक कदम आगे ही हो अरे कैसे? इतना पड़ <laughs> तो, तो गया तुम्हारे तो रंग के सामने <laughs> नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है दरअसल बात यह है कि आज कल है आम का मौसम और कच्ची अम्बी मुझे बहुत पसंद है तो मैंने सोचा कलर ऑनसो Hmm. But you're looking like a real peach. Ah, well, thank you so much. लेकिन अभी तुमने कच्ची अंबियों की बात की मुझे तो पक्के पक्के आम पसंद है जानती हूँ ना वो जो तोड़ के खाने वाले होते हैं वो वाले Oops, I think you're talking double talk. Well, <laughs> अच्छा दीवी tell me what's happening, hmm. क्या हो रहा है आजकल क्या मसरूफियात हैं भाई देखो तुम्हें पता तो है कि hmm. मैं हमेशा से एजुकेशन hmm. के साथ hmm. मेरा वास्ता रहा और मीडिया के साथ hmm. और अब भी इन, इन दोनों का साथ है

तो फिर थोड़ा सा जरा अकलमंद को इशारा ही काफ़ी होता है फिर जरा एहतियात कर लो तो कोई ऐसी बात नहीं है <laughs> मुझे तुमसे एक छोटी सी शिकायत क्या? है, देखो इतना अच्छा तुमने तुमने इंस्टीट्यूशन चला रही हो माशाल्लाह इतने से और और पे पे बच्चे भी शामिल वहाँ पे आ गए हैं और तुमने एक दफा नहीं मुझे, मुझे कहा कि नाज़ी आके बच्चों को परफॉर्मेंस दो। you know, really well. हाँ. मिल जान तुम अभी हाँ. मुझे बता रही थी मैं लाहौर आ रही हूँ लाहौर आओगी तो सबसे पहले अपने सारे बच्चों से मिलवाऊंगी तो तुम्हारी बच्चों जैसी ही निखर ये ना कर, हाँ, हाँ, मैंने कहा बच्चों को ये बोला ना बच्चों को ये ना बोलना हाँ ठीक हाँ, 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 है ठीक हाँ, है ठीक है वहाँ पर हम पुरानी सहेलियाँ नहीं हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बच्चों के मेरे बीच में कोई खलीज हो मैं चाहूँगी कि हम बिल्कुल साथ साथ हों ताकि मैं उनको बेहतर तरीके से उनको सब कुछ सिखा सकूं और अभी तुम बोल रही थी कि छोटे छोटे कदम लेकर बड़े हैं मीडिया के अंदर तुम्हें तो पता है कि मैं लंबी लंबी छलांगे लगाने की कायल हूँ एक दफ़ा मेरा हाथ फिर जाएगा ना तो तुम्हारे बच्चे बहुत तरक्की करेंगे बहुत नाम रोशन करेंगे इन शो नि की जिस तरह हमारा दौर था या हम जब Uh, खैर अभी भी हम जवानी हैं लेकिन जब हम छोटे छोटी थी और हम जब उस दौर में विद ऑल दोज जो बंदिशें भी थी और जो, जो जितनी रुकावटें भी थी उस सब के अंदर वो सब कर लेना जो कुछ किया माशाल्लाह एंड यू नो टू स्टिल बी एबल टू अचीव दो गोल्स एंड टू मेक अ डेंट रियली आई थिंक यू नो उसका जो एक सेटिसफेक्शन uh, होती है इंटरनल यू नो आई थिंक इट्स फार ग्रेटर देन वेन यू हैव एवरी सेट फॉर योर एंड यू नो आई मीन आई जस्ट फील देट आई थिंक मैं समझती हूँ सम निवी नि के आजकल की, की जो जनरेशन है या आजकल का जो बच्चे हैं मैं अपने आप को या हमारी जनरेशन को कई तौर से उनसे ज़्यादा खुशकिस्मत समझती हूँ यू आर मैं मैं बताऊँ तुम्हें तुम्हें तो hmm. काफ़ी कुछ याद भी होगा hmm. कि uh, मेरे वालिद ने hmm. इतना मुझे इनक्रेज किया यानी कि द लेट अब्दुलरमान चुगताई बहुत अज़ीज़ दोस्त थे अब्बा के उनसे मैंने पेंटिंग सीखी उनका वो जो पुराने शहर में पीला घर हुआ लेग, करता लेग, था उसके टॉप फ्लोर पर उनका स्टूडियो था लेग, 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 वहाँ वो एक बाल के ब्रश से वो लाइन लगाते थे और मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ इस रेफरेंस से कि्दुलरमान चुगताई हामिद अली ख़ान रोशनारा बेगम hmm. द लेट नूर जहाँ मतलब hmm. इन लोगों का आना जाना हमारे घर में सूफी साहब hmm. आया जाया करते थे हयात अहमद ख़ान साहब hmm. तो म्यूज़िक है hmm. तो वो हम सुनने hmm. जा रहे हैं आर्ट एग्ज़िबिशन hmm. है आई रिमेम्बर हनीफ राम इज़ फर्स्ट एग्ज़िशन hmm. Hmm. और आर्ट्स uh, काउंसिल को hmm. फ़रो देना वहाँ काम करना तो ये सारी चीज़ें हमारी जो बुनियाद थी ना hmm. वो बहुत अच्छी

दो पॉजिटिव पोल्स तो नहीं, नहीं हो सकते ना, हाँ। अब मैं समझी देखो हाँ। अब मैं मुझे बिल्कुल आ, हाँ। हाँ। समझ भी आ गया इतनी दफा मैंने उसको फोन करके कहा था कि आ जाओ कोई बात नहीं यही दोस्ती हो जाएगी हाँ। आ, लेकिन आ, शायद आ, अब मैं समझ ली क्यों नहीं आना चाहता <laughs> <laughs> <चार। laughs> अच्छा मुझे बताओ कि वो एक दूसरे अभी जो सच कप में आया करती थी वो लड़की आज भी जिंदा है। वो कभी आ, मेरा ख्याल है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक वो जिंदा है क्योंकि थोड़ा सा मुझे शौक लगता है जब मैं शीशे में अपनी शक्ल देखती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी शक्ल अभी तक वही है हुँ, हुँ, और hmm. आजकल जब जरा hmm. देखती हूँ hmm. तो शक्ल <laughs> बदल तो गई है नहीं थैंक नहीं, यू तो, dear. That's दैट्स ऑल योर अफेक्शन टॉकिंग लेकिन hmm. वो जो इनोसेंस hmm. और वो जो एक प्यारापन जिसमें hmm. कड़वी बात भी प्यारी लगे hmm. Hmm. मैंने उसको बड़ी कोशिश से ज़िंदा रखा है hmm. क्योंकि बहुत आसान है लोगों के बारे में बदखोई करनी hmm. और बिटर हो जाना और आ, कंजूस हो जाना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट पे जेनरॉसिटी ना रखनी अपने आप में मैंने उस पर बड़ा कॉन्शियसली काम किया और इसमें मुझे शहजाद ने बड़ा हेल्प किया क्योंकि वो इतने जेनरस आदमी हैं ही और मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रही हूँ मैं वक्त की बात कर रही हूँ और अटेंशन टू तो डिटेल की बात कर रही हूँ और किसी दोस्त की ज़रूरत की बात कर रही हूँ ये मैंने उनसे ज़्यादा सीखा है Because he is remarkable that way. Mm -hmm. He will go out of his way and make time for people. You know, uh hai, to uh, to uh, uh, i uh, is

बट यू नो बींगट कॉमेंटेटर मस्ट बी वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड आई स्टिल रिमेंबर आई स्टिल रिमेंबर जब हम इंडिया इकट्ठे गए थे जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था ऑफकोर्स इंडिया पूरे इंडियंस हम ही दोनों को देखते जाते थे ज्यादा मुझे दिखते थे थोड़े कम मेवी को देखते थे लेकिन देखते जरूर थे फिरोज खान

लेकिन बहुत अच्छी बात हो रही है नाजी mm -hmm. आजकल mm -hmm. ये जो इंडिया पाकिस्तान का आपस में mm -hmm. कुछ ईजिंग ऑफ टेंशन हो रही हैं सो ऑन सो मच दैट वी कैन गेन फ्राम ईच अदर लेकिन साथ mm -hmm. साथ मैं एक बहुत uh, ख्याल है अगर इसको एम्फोसाइज भी करती जाऊँ कि कुछ लोगों का ख्याल है कि हम किसी तरह से अपनी आइडेंटिटी या अपनी सावरेंटी या किसी चीज़ में हमें कोई कमी आ जाएगी मेरा नहीं ख़्याल कि हमारा ईमान और हमारा पाकिस्तानी होने का जज्बा जो है वो इतना कच्चा है कि हम कुछ दोस्तों को बार बार मिलने से वो जो हमारी एक एक जो पुख्तगी है उसमें किसी किस्म की कमी आ जाएगी वी रिमेन पाकिस्तानीज दे रिमेन इंडियंस लेकिन वही इक्कीसवीं सदी का तकाजा ये है दैट वी मस्ट हैव पीस इन द रीजन अगर हमारे लोगों ने तरक्की करनी है दे आर मच लार्जर कंट्री दें विया उनके मसाइल भी उतने ही ज़्यादा हैं तो और इतनी ग़ुरबत है दोनों तरफ कि और इतनी क्रिएटिविटी है दोनों तरफ कि अगर हम शेयर कर लें कुछ बांट लें तो कोई हर्ज नहीं है लेकिन ये ख्याल गलत है लोगों का कि हमारे पाकिस्तानीपन में किसी किस्म की कमी आ जाएगी या कुछ मैं नहीं समझती कि ऐसी कोई बात है और वो वाकई बड़ा अच्छा टूर था इफ़ यू रिमेम्बर इमरान खान एट हिज हाइट एंड मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जीनत अमान बहुत इर्द गिर्द और ये और वो काफ़ी तितलियां फिरा करती थी उस ज़माने में

है मेरे घर की बिजली हर वक्त चली हाँ. जाती है हर चार घंटे के बाद अब मैं इस उम्र के अंदर यू नो आई मीन आई हैव सच डिफिकल्टी हाफ द टाइम माय मेकअप ऑन और वादे करने वाले तो बहुत सारे लोग हुँ. हैं आ, बट वादों को निभाना कम लोगों को आता है इतनी दफा चौधरी साहब ने वादा किया कि नाजी बेबी मैं भिजवा लाहौर तो तो के क्या हालात लाहौर में भी लो... बहुत दिक्कत है अच्छा और बहुत पावर आउट होती हैं तो घर की इतनी चीजें जल जाती है फिर आप ठीक करवाते हो फिर जल जाता है

या दफ्तर से फारग होकर अपनी फैमिलीज़ को लेकर निकलते हैं अब आठ बजे अगर आप सारे शॉपिंग मॉल्स वगैरह सब बंद कर देते हैं hmm. तो मैं समझती हूँ कि दिस इज़ रियली अब hmm. यहाँ देखो ना hmm. ये शॉर्टकट गलत है hmm. right. क्योंकि यहाँ पर प्लानिंग hmm. करनी चाहिए hmm. ये जो सारी डैम्स की बात हो hmm. रही है और इनको पॉलिटिकल इशूज़ बना दिया जाता है एंड वी बिन शेल्विंग द काला डैम एंड द भाषा डैम एंड दिस इन दैट आई मीन व्हाई डोंट वी अंडरस्टैंड Everything will come to a grinding halt hmm. if we do not have enough electricity. Absolutely, and we see that uh, happening every day, in Ab, uh, drive, the uh, you drive the you the driver

मैं, मैं तुम थी। तुम्हारी गाड़ी देखो ना, मैं तो फटीचर हाँ। गाड़ियों तो में जो भी <laughs> है, आ, खुद ही चलानी पड़ती है गाड़ी मैं हमेशा एक बात कहती हूँ भी कि किसी भी कौम की जो कहना चाहिए उनकी सिविलाइजेशन या उनका कल्चर जो है काफ़ी हद तक उनकी सड़कों से उनकी सड़कें उसकी आकास होती हैं यू नो हम लोग क्यों नहीं अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करते मखसूस अंदाज़ देखो यानी hmm. मैं डांट मैं सौ दफ़ा डांट hmm. भी पिला दूँ और मैं hmm. uh, उंगली भी हिला दूँ hmm. लेकिन देखिए दो तीन बातें hmm. एक तो ये है कि अल्लाह भला करें इनका लीजिंग कंपनीज hmm. का hmm. अब गाड़ी लेना इस कदर आसान है जैसे कि एक ज़माने में साइकिल भी नहीं ख़रीदी जाती थी उस लोग अब गाड़ियाँ ले लेते हैं हर घर में जहाँ गाड़ियाँ हैं वहाँ तीन, तीन तीन चार हैं और सारी की सारी सड़कों पे हैं अच्छा अब एक तरफ आपने वहीक्यूलर ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ा दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं जिस पर कि ये सारी गाड़ियाँ आराम से दौड़ सकें ठीक है जितने भी आपने फ्लाई ओवर्स या अंडर या जो कुछ भी बनाए देर टू लिटल एंड टू लेट आप जब ये सारी चीजें hmm. अगर आप इतनी ओपन मार्केट कर रहे हैं कि जी आपका जो जी चाहे आप व्हीकल खरीद लें और जितनी जी चाहे आप hmm. ले लें तो यू हैव टू बी प्रिपेयर कि इनकी एब्जॉर्प्शन कहाँ होगी hmm. अब बम्पर टू तो बम्पर ट्रैफिक है देन डोंट फोगेट नाजी कि हम कितने गर्म मुल्क में रहते हैं hmm. और अभी तुमने लेट और जल्दी की बात की देखो तुमने जल्दी शादी कर ली

Um, any sort of a crush on somebody oh or yes hmm. can i can i tell you hi please You mm. must you must. sabse to richard burton of course huh. absolutely <laughs> adored him hmm. and when he died hmm. to ke hai hmm. he's hmm. dead hmm. and he doesn't know that hmm. somewhere hmm. far away across the oceans hmm. somebody used to adore him hmm. then my second crush who was it ha, of course shahrukh khan आई आई एम सच अ क्रश ऑन हिम बट यू नो ही इज वेरी क्लोज टू मी अच्छा हां बड़ी छुपी रुस्तम तुमने बताया ही नहीं तुम्हें मुझे तुमने तो बताया ही नहीं अभी कुछ भी <laughs> अब देखो इतने सारे सालों तक तो गायब रहोगी तो कैसे जानूंगी हां ये भी है है ना ये भी है. और उनका बताओ शहजाद का बताओ Well, he is a very handsome man mm. and he has uh, an eye for beautiful women. Of course, I would know that. Or uh, hmm. Mm, hmm. yes, you would. अब देखो ना तुम्हे जैसे हम इतनी करीबी सहेलियां हैं, तुम्हे जब तुम उनपर और मुझपे कभी शक नहीं हुआ, तो तुम्हे क्या पता कि और कहाँ कहाँ? हाँ, ये मैं कह नहीं सकती. है ना? But I know कि uh, when he finds a woman hmm. very beautiful and very attractive, hmm. he always talks about her with hmm. me. Hmm. सो so, ये नहीं है कि कोई ढकी छुपी बात है या कोई दिल में कोई मैल है तो बात नहीं करनी या वॉटर इफ़ आई फाइंड सम बडी अट्रैक्टिव मैं ज़रूर उनसे कहूँगी आई वॉट अ गुड लुकिंग गाय या वॉट एवर आई डोंट नो शायद हम जरा अनकनवेंशनल मियाँ बीवी हैं hmm. हमें इन चीज़ों से कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम hmm. नहीं है hmm. और जैसे तुमने कहा ना कि इतने सारे साल हो गए यू स्टक इट आउट वी हैवन स्टक इट आउट we've enjoyed every minute of it. Masha'Allah. you know, but that sounds so wonderful, really. like, in, uh, you know, when i look around me, and i'm you i be sure, yogi, but for most people, somehow, uh, you don't find this kind of chemistry between um, most husbands and most wives, in, in, in especially in this part of the world. i mean, most bvs that i know are very insecure of me. they can't stand uh, their husbands even trying to make a, you know, like a small uh, conversation. conversation, you know. नासी मेरा ख्याल है कि अगर अपनी जिंदगी खाली हो एमटी हो अपनी जिंदगी तो फिर ऐसी चीज़ों की तरफ इंसान का ध्यान जाता है और अगर आपकी अपनी ज़िंदगी में इतने ढेरों खजाने हों कि आपके पास वक्त ही ना हो कि आप ऐसी फजूल चीज़ों के बारे में सोचो आई थिंक इसकी एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि आजकल आज स्पेशली आजकल जो मैं लोगों को देखती हूँ तो आई थिंक पीपल आर मोर focused or more uh, desirous of wanting to fill their bank accounts than, than to fill their lives really. Haan, to, you, know, to, you know, they tune. want to enrich themselves through their accounts and through their money and hmm. through the gold and through things. the plots, Haan. really. but, you know, at the end of the day, i feel, and i'm sure uh, you'll agree with me on that also, और बड़े बड़े जो नामवर जो रेस्टोरेंट्स हैं hmm. वहाँ खाना खाया hmm. मगर एक मील है जो मुझे ज़िंदगी भर hmm. नहीं भूलेगा बिकॉज इट्स द मोस्ट प्रेशस मील आई हैड शहजाद और मैं हम दोनों की नई नई शादी हुई थी और हम प्लाजा सिनेमा में हम मूवी देखने गए तो वापस आए तो चूँकि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था उस वक्त तो मैं अपनी सास के साथ ही रहती थी सख्त भूख लग रही दोनों को अब खटर पटर भी नहीं हो सकता वरना घर वाले जाग जाएं और कहें कौन है चुपके से गए सर्दियों का हमने अपना वो हीटर था वो जलाया वो फ्लिप ओवर हो जाता था वो तो फ्लैट हो जाता था ऊपर से और ताम चीनी की प्लेट में हम दाल डाल के लाए और रोटियां लाए उसके ऊपर हमने दाल रखी और साथ ही रोटियां रखी भाई नाजी आई टेल यू दैट वाज द अपिटमी ऑफ फीस्ट और वो मुझे कभी नहीं भूलेगा नहीं। तो तुम बिल्कुल ठीक कहती हो कि लोग चूँकि औरत हो या मर्द वो अपनी ज़िंदगी को ऐसी ठोस चीज़ों के साथ भरना चाहता है कि उसके पास ना तो वक्त है और ना ही रुझान है कि वो और प्यारी प्यारी चीज़ों के साथ अपनी ज़िंदगी भरे तो शायद उसकी ज़िंदगी ज़्यादा एंड हो बिल्कुल सही और अभी मुझे यकीन है कि तुम्हारी ये वाली तुम्हारे इस आ, मील की कहानी सुनकर लोग ये जान जाएंगे शायद कि इफ़ योर हार्ट इज़ फिल विव दिन डज़ नॉट रियली मैटर कि आप किस घर में रह रहे हैं और कौन सी गाड़ी चला रहे हैं और कौन से रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं वो मोहब्बत जहाँ होती है तो दाल और रोटी जो होती है वो भी दुनिया का सबसे Uh, मज़ेदार और uh, चीज़ होती ना इट एड्स सो मच फ्लेवर टू वंस To one's life really. You know, another thing that I must apologize for is that although you insisted so much for me to come to your son's wedding, hmm. but John, I was in Paris then and you know, I love being in Paris, you know. Hmm. France You know that I love everything that's <laughs> everything that's French, you know. I'm so, course, into that, so into that. So into that. अभी तक नहीं पहुंचा और मुझे पता है जब आएगा ना मैं पूछूंगी आने में देर क्यों कर दी तो ही ही पुरानी पुरानी किसी भी टिक्स देगा कि साला टायर फिर हो गया था यू नो बट ऑलवेज सो सो लॉन्ग लॉन्ग आदत है बाय द वे वन बड़ी दिल ऑन द लुकआउट ना रहा करो ना जरा थोड़ा सा तुम तो मुझे मुझे बताओ कि अकेला पन, मुझे बताओ कि कि अकेलापन अगर अगर कोई इंसान का बच्चा मिल जाए जो रुक जाए कुछ दिनों के लिए तो फिर क्यों मैं दिल फेंकती फिरूंगी वो तो जब आई, दिल वापस ये करके ये। चले जाते हैं फिर अकेलापन काटने को दौड़ता है फिर ढूंढती रहती हूँ कि कोई मिल जाए कोई मिल जाए चलो वक्त ही मिलता है थोड़े दिनों का ही मिलता है लेकिन कुछ तो करार आता है ना जिंदगी में आई थिंक आई हर्ड द बेल Did you? I Yes, I think he's here. हाँ कुछ है शोर तो कुछ है. But I'm sure you'll be very pleased to meet him. He's very talented, darling. Very talented. That he is. Yes, I, I know him don't. by reputation. <laughs> okay. <laughs> so I'm not going to waste any more time. I think I'm going to call him in. हाँ हाँ ज़रूर बुलाइए. Step right in. Adnan Siddiqui. I'm sorry, I didn't realize. तुम्हारी गलती है। मैं बाय द वे आई डिडंट टेल हर एनीथिंग एज प्रॉमिस्ड आई डिडंट टेल हर एनीथिंग या थैंक गॉड मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया ना निधि नहीं कुछ नहीं ये क्या सीक्रेट हो रही है भाई कुछ नहीं बहुत डरा हुआ था कि कुछ बता नहीं दें आपको ये हां बस कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पब्लिक ना ऑफ कोर्स नहीं नहीं मैं तो हम बताया था मैंने मैंने कहा कि बहुत अच्छा है Uh, बहुत ही अच्छा है uh, बिल्कुल बच्चों की तरह है uh, और uh, बड़ा अच्छा काम करता है माशाल्लाह यू नो डूइंग सो वेल हां वी वी वर्क टुगेदर वे um ulam gardish ulam gardish and yeah. uh, he he played uh, uh, a son kind of ha well a son in law that i didn't want hmm. Hmm. so i was very mean to him okay yeah. but uh, as a brother in law would he be all right, darling

शक हुआ है यकीन नहीं हुआ है। अच्छा शुक्रिया <laughs> चलो फिर शक को शक ही रहने देना हाँ। मैंने कुछ नहीं सुना मैंने कुछ नहीं सुना अच्छा <laughs> आजकल क्या मसरूफियात है क्या हो रहा है आजकल एक आर्मी प्ले कर रहा हूँ आर्मी प्ले से क्या मुराद आर्मी का सीरियल है अच्छा ओके एंड आई एम प्लेइंग मेजर उसके अंदर मेजर का रोल है मेरा अच्छा। and uh, that's why I have it, this haircut. हाँ मैं पूछने लगी थी कि फिर uh, तभी बाल भी कटवाएं। ये मैंने कहा कौन सा नया खेल है आ, आर्मी का? ये आर्मी का बड़ा जबरदस्त खेल है, जो हम सब देखेंगे। हाँ, वो तो हम <laughs> देखते ही रहते हैं। <laughs> देखो भाई यहाँ पर बहुत डबल टॉक हो रही है। सुनिए दिन था ना बड़ा अच्छा था वो भी। प्ले।

But not for long. together, haven't we? Uh, At the yes प्लीज कैन यू टीच मी हाउ टू सी दिस लाइन तो तुम्हें तो पता ना क्या मैं किसी को नो नहीं कह to mujhe लाइन हाँ। तो पड़ा, बताई थी उन्होंने मुझे तो लाइन मारी फिर आप मैंने लाइन पढ़ी अच्छा और बस वो पढ़ना था कि कि ढेर हो गए कि मैं पढ़ गई हाँ। ये भूला चाह रहे हो ना यू नो टिपिकल मैन आई टेल यू टिपिकल मैन बिल्कुल बट एनीवे वी विल प्रिटेंड एज इफ देयर इज नथिंग ओके लेट्स जस्ट प्रिटेंड आई एम अ गुड एक्ट्रेस एंड यू आर अ गुड एक्टर थैंक यू सो मच देयर इज नथिंग बिटवीन अस और तुमसे तुम्हें बाद में पूछ लूँगी फिर अच्छा मैंने सुना है कि आजकल जो एक्टर्स हैं आजकल बहुत जेबें भर रहे हैं सब एक्टर्स देर अर्निंग लोड्स एंड लोड्स ऑफ मनी लोड्स एंड लोड्स ऑफ मनी काफ़ी पैसे कमा रहे हो आजकल कहाँ हम्म hmm? काफ़ी तो नहीं है hmm. अच्छे पैसे हैं hmm. और अल्लाह का शुक्र है hmm. कि अब वो दिन नहीं रहे hmm. जो पहले हालात होते थे बहुत बेहतर हो गए हैं एंड One should thank God for this, mm. but I think yes, that's true. to uh, uh, you know, actors somehow were the, were the somehow the least paid of of people. Kam uh, but they were most actors at that time were working out of the passion for.

बहुत खूब चलो लेकिन um, hmm. एक और बात hmm. जहाँ पर एक्टर्स के लिए हालात बेहतर हो गए मीडिया के अंदर यू नो एक्टर्स अब गेटिंग मोर मनी दे गेटिंग मोर वर्क गेटिंग मोर एक्सपोजर लेकिन उसी साथ, साथ देखा जाए तो और तुम से मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्यों, क्योंकि तुम यू नो यू एक्टिंग माशा एंड यू आर द फोर इन द कंट्री मुझे लगता है कभी कभी कि एक्टर्स में वो कमिटमेंट नहीं रही जो पहले हुआ करती थी दैट इट हैज बिकम टू कमर्शल नाउ दैट एक्टर्स आर नॉट डूइंग इट वो अपने दिल से नहीं कर रहे और वो चीज़ अब स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होने लग गई है डू यू अग्री विद मी इन दिस वे आई डोंट ओके इट्स लाइक पीपल हु आर सीरियस अबाउट वर्क एंड सर्टन पीपल नॉट सीरियस अबाउट दर्क एंड आई गेस इट्स इन एवरी फील आपको कुछ डेडिकेशन मिलती है कुछ नहीं मिलती है hmm. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके मिजाज का काम नहीं मिल रहा होता है आपको hmm. मगर आपको करना पड़ता है hmm. मजबूरी होती है बट hmm. um, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है सारे पाँच उंगलियाँ बराबर नहीं है hmm. जहाँ ऐसे हालात हैं वहाँ ऐसे हालात भी हैं कि लोग पूरी डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं वक्त पे आते हैं वक्त पर जाते हैं अच्छा काम भी मिल रहा है अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं hmm. मगर ये कहना गलत होगा कि सबको उसी में लपेट लेना कि अब वो डेडिकेशन नहीं रही बच्चनों आई एम गोइंग टू मेक अ स्टेटमेंट नाउ और इस पर मुझे यकीन है कि तुम दोनों इसको चैलेंज नहीं करोगे और स्टेटमेंट मेरी ये है दैट इन पाकिस्तान द स्टैंडर्ड ऑफ ड्रामा हैज़ डिटीरिटेड यू नो ट्रिमेंडसली जो ड्रामे का स्टैंडर्ड था आज से लेट्स इवन अपर फिफ्टीन ईयर्स बैक आज जो uh, ड्रामे हैं वो दे फेल टू कैच आर फैंसी द वे ड्रामाज वुड यू नो एंड आई स्टिल रिमेंबर प्लेस लाइक दॉरे जिन्हो आई थॉट अ फैबुलस प्ले थॉजुल आई लव दैट प्ले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल बिकॉज वेन आई कॉल माई प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर फ्रेंड्स वो कहते हैं कि जी एक्टर्स जो हैं वो प्रोफेशनल नहीं हैं वो कमिटेड नहीं है वो, वो तंग करते हैं वेन आई टॉक टू माई एक्टर फ्रेंड्स दे ब्लेम इट ऑन राइटर्स कि जी राइटर्स नहीं है अच्छे स्क्रिप्ट नहीं आते डायरेक्टर्स नहीं है अच्छे डायरेक्टर्स नहीं है यू नो वी की मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपसे पहले तो ये किज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेशन इन पाकिस्तान नो वन नो वन इज रिस्पॉन्बल फॉर दिस मेरे ख्याल में हम जिस एरिया के अंदर हैं उसमें कॉम्पिटिशन का दौर बढ़ गया है जिस दौर की आप बात कर रहे हैं कि ड्रामे होते थे तो वो एक ही चैनल होता था बाय बाय hmm. देखना पड़ता था आपको hmm. अब ये हो गया है कि चैनल्स बहुत ज्यादा हो गए हैं कॉम्पिटिशन बढ़ गया है hmm. अच्छा काम भी होता है बुरा काम भी हो रहा है hmm. अब व्यूअर्स के ऊपर है किसको वो देखना चाहते हैं किसी ने उनको रोका हुआ नहीं है hmm. वो चाहे ए चैनल देखें या बी चैनल देखें hmm. सी चैनल देखें hmm. जो ड्रामा उनको अच्छा लग रहा है वो देखें मगर hmm. ये जरूर हो गया है कि इसकी वजह से ऐसी भीड़ चाल चल पड़ी है कि जो सभी करना चाह रहे हैं वैसे ही काम Hmm. वो नहीं हो सकता hmm. एक hmm. अपने अंदर एक इंफरादियत होनी चाहिए hmm. कि आप वन शुड नॉट बी डिफरेंट बट विद क्लास ऑफ डिफरेंस सो व्हाट इज रियली मिसिंग राइट हियर इज द क्लास वक्त के साथ वो भी आ जाएगी hmm. मेरे ख्याल में कुछ स्क्रीनिंग हो चुकी हैं hmm. कुछ अभी बाकी है But with time, everything will be settled. Adnan Siddiqui sitting in front of you and telling you that he is nervous ho gaya tha. Uh, you know, I haven't seen that side of Adnan yet. He makes me feel so nervous. There are very few men who can do that. But, you know, he keeps me feeling very nervous half the time. Anyway, you continue with your conversation. I don't want to come between professional friends. I don't want to come between professional friends. I understand. I don't mind talk to each other. Did we सामने कोई I था? tried my best. You Please. gave it away. No, I, I'm no how strict, are you looking I, at me? तो मेरी तरफ देख किस तरह रहे हो? प्यार भरी नजरों से. हाँ, इसलिए तो मिल कर रही हूँ ना मैं और मेरी मोमबत्ती भी. <laughs> It's all your fault. You gave away the secret, not me. नहीं बता रही नहीं. भाई देखो अदनान <laughs> की बीवी भी, 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 भी ये प्रोग्राम देखेगी. तो जरा होश की दवा करो दोनों कोई घबरा रही थी वो मैं तो कोई बात नहीं मैंने कहा नहीं लेकिन मेरी बात सुनो ना वो असल में जो मैंने तुमसे इसके आने से पहले बात पूछी थी ना इनसिक्योरिटीज वाली वाली कभी तुम्हारा हस्बैंड तो तुमसे नहीं हुआ कभी तुम क्यों नहीं हुई फिर मैंने पूरा लेक्चर भी सुनवाया था इस बात की सुनवा रही थी Oh ho, I Of course. You know. I'm very dense. And after, and please, uh, you must uh, listen to what she says, you know. One should never be insecure, darling. I mean, if I don't have a problem, why should you? I'm not taking him away. I mean, Adnan is quite capable of keeping the two of us very happy. I know that. <laughs> Achha, I mean You, you poor man. <laughs> <laughs> Come on, he's oh, happy. Dear. Look at him, look at him. <laughs> he's it blushing. <laughs> रौनक है तुम्हारे चेहरे पे ये अम, ये मैं, मुझे खुश कर दो ये बोलो कि ये मेरी वजह से है ये गेट स्मार्ट के की वजह से मैं नहीं है। अभी भी यही कि ये किसी के की वजह तो पता है ना

तो सब लोग बस यही देख के कहते हैं ना कि अच्छा अच्छा आप वही है ना वो मेरे डैडी बड़े होशियार हैं <laughs> बेचारे मेरे डैडी तो बिल्कुल होशियार नहीं थे लेकिन वो एक तकिया कलाम बन गया था <laughs> वैसे तो ये भी बड़े होशियार हैं अच्छा तुम्हारे दोस्त हमायूं के क्या हाल है घोड़े से गिर गए कौन हुमायूं सईद हुमायूं हाँ, सईद क्या क्या हाँ, क्या हुआ हम लोग अभी जो आर्मी का प्ले कर रहे हैं हाँ? क्या, उसके अंदर एजुडेंट बने हुए हैं वो अच्छा उनकी प्रैक्टिस हो रही थी घोड़े पे और हम भी घोड़ा चला रहे थे घोड़ा कहीं भी तक गया ओहो। उसने जो उठा के हम को ऐसे फेंका जैसे नादिया हाँ। कम्यूनिची ने कोई समर सोल्ट लगाया हाय है। वोगा। और उसके बाद वो फौरन खड़ा हो गया मैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ शुक्र है शुक्र है ये समीना ने तो जोर की चीख मारी होनी नहीं नहीं समीना बड़ी खुश हुई अच्छा अच्छा <laughs> बताओ अब कमरे से बाहर नहीं जा सकता सुनो अच्छा, घोड़ा बेचारा तो ठीक है ना नहीं वो बिल्कुल ठीक है भागा वो तो उसे डर के हाँ। असल में मेरे ख्याल में हमायूं ने घोड़े को घोड़ी समझ लिया होगा इसलिए बहुत तेज दौड़ा यू नो हमायूं हैज दिस प्रॉब्लम ही हैज दिस प्रॉब्लम यू नो नो ही इज डूइंग गुड बट डिड यू टेल हिम अबाउट अस

Oh, what was your favorite subject? Uh, mine was. Uh... Should I? Oh, please. Yeah, yeah, please. Bolo na. uh myra, koi favorite subject nahi tha. Koi favorite subject I was a duffer, yaar. Yeah. Oh God. So what? No, but you're not a duffer. No, no. He means in academics. <sighs> okay. I I think you're wonderful to to actually sit down here and say that you didn't have a flair for academics. He's wonderful. an honest man. Yeah, yeah. Nivhi, Nivhi, Nivhi. he's an honest man. I think it's wonderful. Ask me my favorite subject. Your favorite subject. Adnan Siddiqui. Ah. <laughs> 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 ah. You <laughs> mm. know how to look after my man. <laughs> hmm. Absolutely. It's very important, I'm all darling, with nah, uh, men. Uh. You know, you need to massage their ego. why not? say अगर दो अल्फाज से किसी का दिल खुश होता है हुँ, हुँ. तो कह देना चाहिए हुँ. ऐसी कौन तो खुश हो गया <laughs> 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 अभी और भी करूँगी खुश तुम्हें मुझे ये बताओ अच्छा बी ऑनेस्ट नाउ बिकॉज आई नो वन थिंग वो वेरी ऑनेस्ट मैन शो बिजनेस में वो कौन सी लड़कियाँ हैं जिनसे तुम्हारी बीवी नफरत करती है तुम्हारी वजह से <clears throat> मेरी वजह से हुँ. ऐसी कोई भी लड़की नहीं मेरी वजह से नफरत नहीं करती

एंड सीरियसली वो वाकई इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरह समझती है और वो समझती है कि आई एम अ रिस्पांसिबल मैन आई हैव अ फैमिली घर वापस आऊँगा, अपनी बेटी को टाइम दूंगा अपनी बीवी को टाइम दूंगा बाहर कुछ नहीं करूँगा। हाउ वंडरफुल इट इज एक्चुअली हाउ वंडरफुल रियली इट इज अच्छा तुम्हारी बेटी की क्या हाल चाल है बेटी मेरी बहुत अच्छी है हाउ ओल्ड इज शी 1 साल चार महीने की ओय शिट एंड नेम और जब वो मुझे अब्बा कहती है हाय तो दिल पिघल के पिखल इस मोमबत्ती की तरह हो जाता है बिल्कुल वाकई और जब वो मुझे अम्मा कहेगी तो मेरा भी दिल पिघल कर ऐसी ही मोमबत्ती हो जाएगा तो मैं अम्मा क्यों कहेगी, अम्मा क्यों कहेगी। वो रही बात ज़हीर की तो ज़हीर खान को मैं समझा दूंगी क्योंकि उससे भी मेरी पुरानी दोस्ती है फिर अपनी बेटी को

नहीं मेरा कहा हमारे हुकूमत वाले कहते रहते ना खानी मनसूबा बंदी बंदी तो मैंने कितनी लंबी बंदी की कि भी ऐसी आप नहीं बन सकती, आप बन तो सकती? मेरी जान है अम्मा कहां से बन सकती है तुमने फिल्म लिखी ऑफर हुई थी जरूर यकीनन क्यों उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं थी वुड टेक एक्टिंग एज और नॉट वो दौर जो मैंने आपको पहले mm -hmm. बताया कि mm -hmm. ऐसा नहीं था कि सोचा जा सकता था mm -hmm. और वॉज एन अनफॉर्चुनेट थिंग फॉर मी वन ऑफ द बेस्ट बैनर सजाद गुल साहब का बैनर था mm -hmm. और नुसरत फतेह अली साहब पहली दफ़ा म्यूजिक दे रहे थे mm -hmm. uh, मैडम नूर जहाँ का कम बैक था achha,

कहा ना देखा ना सुना ना कहा uh, तो ठीक है लेकिन करना बहुत कुछ है और करेंगे अभी चल के खाना खाएंगे पहले बहुत मजे का खाना बनाया नहीं मेरे घर आई है अदनान को तो मेरे हाथ की बनाई हुई हर चीज़ ही अच्छी लगती है अदनान की लव्स माई फिंगर्स एंड फॉर मेनी रीजन नो I, the French manicure, darling, I think. It's looking yeah. very nice, yeah. very elegant. Very thank elegant. You, mm. Thank you so much. <gasps> it's been a true pleasure having the two of you this evening. Um, Naveed Shahzad, um, really, thank you so much. Thank you. And Adnan, thank you so much. Thank okay, you so much. Thank you for everything. <laughs> 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 you and uh, Adnan se अपना बहुत ख्याल रखिएगा uh, हमें सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा एंड इनशा नेक्स्ट वीक आई बी बैक विद टू वेरी एक्साइटिंग पर्सनैलिटीज़ एंड लाइक take यू प्लीज़ टेक केयर एंड खुदा नवाजिश